दोस्तों आज हम आए हैं इस बेहतरीन सी लोकेशन पे पिकनिक मनाने के लिए और ये पिकनिक है हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। दोस्तों हमने जितना मज़ा किया इस पिकनिक में आपको भी इस वीडियो को देख के उतना ही मज़ा आने वाला है। तो आज हमारे स्नैक्स में बनने वाले हैं फिश पकौड़े और साथ ही साथ बनने वाले हैं वेज पकौड़े और बनेगा ये बेहतरीन सा देसी चिकन जिसे खाकर सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर तैयारी हो रही है फ़िश पकौड़े की। तो लगभग 4 किलो फ़िश के यहाँ पर पकौड़े बनने वाले हैं। तो सबसे पहले फ़िश को किया जाएगा मैरिनेट। तो यहाँ पर फ़िश में अदरक लहसुन और मसाले डालकर फ़िश को मैरिनेट किया जा रहा है। तो फ़िश में मसाले डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से फ़िश के अंदर चला जाए। और दोस्तों आज की दावत में यही 2 देसी मुर्गे बनाए जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमने हमारे चिकन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, लेकिन दोस्तों हम इसे खाल के साथ ही बनाने वाले हैं क्योंकि देसी चिकन का मज़ा खाल के साथ ही बनाने में आता है। तो यहाँ पर हमने हमारे चिकन को अदरक लहसुन हल्दी और नमक लगाकर मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो देसी चिकन है तो बनाएंगे भी इसको देसी अंदाज में। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा कर रहा हूँ हमारे चिकन को चूल्हे पे बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों आज चिकन को बनाएंगे लकड़ी के चूल्हे पे। तो दोस्तों यहाँ पर अन्नदाई लकड़ियाँ जला रहे हैं ताकि हम चूल्हे पे हमारा देसी चिकन बना सकें। और दोस्तों यहाँ पर प्याज काटी जा रही है, प्याज को यहाँ पर स्लाइस किया जा रहा है, बारीक बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन 5 किलो चिकन है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 किलो प्याज ली है और प्याज हमारा स्लाइस हो गया है। और चूल्हे के ऊपर हमारे पतीले को चढ़ा देंगे जिसमें हमारे देसी चिकन को हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों सरसों के तेल में हमारे देसी चिकन को हम बनाने वाले हैं। तो तकरीबन 1/2 लीटर मैंने सरसों का तेल लिया है और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। और जैसे ही हमारे खड़े मसाले गर्म तेल में चटकने लगेंगे उसमें डाल देंगे हमारा स्लाइस किया हुआ प्याज। और प्याज को डाल देने के बाद हमें इसे भून लेना है, लेकिन दोस्तों हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे हल्का गुलाबी होने तक ही भूनना है। दोस्तों शहर की भागदौड़ से दूर इस तरह की बढ़िया जगह में खाना बनाकर खाने में जो मज़ा है वो किसी 5-स्टार होटल में जाकर खाने में भी नहीं है। अगर दोस्तों मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब मैंने इसके अंदर हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। और अब चिकन डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है क्योंकि दोस्तों देसी चिकन को पकने में भी मटन जितना ही टाइम लगता है, तो इसे अच्छी तरह से पहले हम भूनेंगे। तो प्याज के साथ अभी हम इसे भून रहे हैं, अभी इसके अंदर कोई मसाला कोई अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो जब तक हमारा चिकन भुन रहा है आइए देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बन रहे हैं वेज पकौड़े। तो सबसे पहले यहाँ पर बैगन के पकौड़े बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बनाए जा रहे हैं पालक आलू और प्याज के मिक्स पकौड़े। सामने धूप पड़ रही है, क्लियर आई ना तुम बोले गाड़ी में और तो दोस्तों तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है हमारे चिकन को प्याज के साथ भूनते हुए और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है 10 से 12 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गर्म मसाला। तो इन सब मसालों के अंदर थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है क्योंकि दोस्तों हम बड़ी क्वांटिटी में चिकन बना रहे हैं और मसाला भी बड़ी क्वांटिटी में ही डालना होगा, इसीलिए मसालों को पाउडर ना डालकर पानी में घोलकर मैंने डाला है ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और दोस्तों मसाले डालने के बाद हमें इसे फिर से अच्छी तरह से भूनना है
तकरीबन आधा घंटा हमें इसे और भूनना है, क्योंकि दोस्तों चिकन को गलाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक और डाल दिया है, क्योंकि मैरिनेट करते समय नमक पहले भी डाला हुआ था, इसलिए मैंने कम नमक डाला है यहाँ पर। तो अब हमारे चिकन को चलाते रहेंगे बीच बीच में और चेक भी करते रहेंगे कि हमारा चिकन कितना गला है। तो दोस्तों देसी चिकन को पकने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग मटन जितना ही टाइम लगता है इसे पकने में, और चूल्हे में बना रहे हैं तो ये धीरे धीरे आराम से ही पकने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब मैंने यहाँ पर टमाटर काट लिए हैं और साथ ही साथ धनिया भी काट लिया है। टमाटर लगभग मैंने प्याज जितने ही लिए हैं, तकरीबन 2 किलो मैंने टमाटर लिए हैं। तो चलिए अब हमारे चिकन को चेक करते हैं कि हमारा चिकन कितना गला है। दोस्तों जब तक हमारा चिकन 70% तक ना गल जाए, तब तक हम इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर टमाटर डाल रहा हूँ इसके अंदर, तकरीबन 2 किलो ये टमाटर है, और टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा धनिया। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार, और अब हम इसे चूल्हे की धीमी आंच पर पकने देंगे जब तक कि हमारा चिकन और टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। और अब हम इसे ढक कर पकने देंगे, और दोस्तों वेज पकौड़ों को फ्राई करने के बाद यहाँ पर फिश पकौड़ों को फ्राई किया जा रहा है। तो दोस्तों हमारे फिश पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों सारी स्नैक्स हमारी तैयार है, आइए पहले स्नैक्स का लुत्फ उठाते हैं। किसकी टोपी बेटा? तो दोस्तों स्नैक्स सबने खा लिए हैं, और आइए अब हमारे चिकन को चेक कर लेते हैं। तो चिकन हमारा लगभग पक चुका है, काफ़ी हद तक ये गल चुका है, और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इस स्टेज में हमने इसमें पानी डाल दिया है, और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। तो दोस्तों देसी चिकन बन रहा है तरी वाला, तो उसका मज़ा तो चावलों के साथ ही आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर चावल बनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो दोस्तों तरी डालने के बाद हमारे चिकन को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इसे धीमी आंच पर चूल्हे पे पकते हुए। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है हमारा ये देसी चिकन, जो कि चूल्हे की धीमी धीमी आंच पर बना हुआ है। और अब हमने इसे ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो तैयार है हमारा बेहतरीन सा तरी वाला देसी चिकन। तो आइए दोस्तों फटाफट से इसको बाउल में निकाल लेते हैं, और फिर इसे सर्व करेंगे चावलों के साथ। और दोस्तों दूसरी साइड हमारे चावल भी एकदम तैयार हैं, आइए सभी को सर्व करते हैं चावल और हमारा देसी चिकन। Oh, this is amazing.
चटनी डाल दो यहाँ। अरे आज तो छुट्टी करे एक दिन छुट्टी करे कले नेहा ने विशु करते ना हरी चटनी दे दे मेरा तो वहां पे बहुत टेस्टी है मेरा हरी चटनी जान अपने एग्जाम है समझ कहां से इसको।